आखिर कौन थे वो भारतीय संत जिनकी फोटो अपने तकिए के नीचे रखते थे स्टीव जॉब्स? आखिर कौन से बाबा जी की कृपा से एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बना है? फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं आखिर कौन से भारतीय संत के भक्त? मित्रों जय श्री राम। आज मैं आपको ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको कई लोग श्री बजरंग बली का अवतार मानते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वरना बाद में आप भक्ति में ऐसे लीन होने वाले हैं कि सब्सक्राइब वगैरह की याद नहीं रहने वाली है। जी हाँ मित्रों, इनका जन्म सुहाग नगरी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के एक गांव अकबरपुर में कृषक परिवार में हुआ, जिनका असल नाम काफी कम लोग जानते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण शर्मा है, लेकिन भक्तों में वो नीम करौली बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री नीम करौली बाबा जी। मित्रों आज मैं उन्हीं के जीवन की कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं आपके सामने रख रहा हूँ जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मित्रों एक बार नीम करौली बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन यात्रा के दौरान वो टिकट नहीं ले पाए, जिसके चलते टीटी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया और बाबा नीचे उतर कर पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर ट्रेन को जैसे ही आगे बढ़ाया गया वो बंद पड़ गई। सभी हैरान हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर आए और ट्रेन की जाँच की, फिर भी नहीं चली। एक सहयात्री यह सब देख रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद आपने उन महाराज जी को उतार दिया है, इसलिए यह सब हो रहा है। इस पर रेलवे स्टाफ ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें फिर से ट्रेन में बिठाया। इस पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। और ये मैं आपको बता दूं कि जहां पर ट्रेन रुकी थी वहां पर नीम करौली बाबा के नाम पर स्टेशन बना दिया गया है। मित्रों आपको बता दूं कि बाबा ने कई मंदिरों का निर्माण कराया है, जिसमें प्रमुख आश्रम कैंची धाम है जो कि नैनीताल में स्थित है, जिसमें श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। वहीं एक बार भक्तों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन अचानक घी खत्म हो गया। इस बात की जानकारी बाबा को दी गई और बाबा के कहे अनुसार बगल में बह रही नदी में से डब्बे में पानी भरकर लाया गया और जब वो डब्बा बाबा के सामने खोले गए तो वो घी में बदल चुका था। मैं एक और घटना आपको बताता हूँ जिसमें बाबा का चमत्कार साफ नजर आता है। एक दंपत्ति हुआ करते थे जिनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से भूटान में युद्ध पर था। उनका बेटा काफी समय से घर वापस नहीं आया था। दंपत्ति उसे लेकर परेशान थे। अचानक बाबा दंपत्ति के घर पहुंचते हैं। दंपत्ति उनके खाने और रहने की व्यवस्था करते हैं। रात में ऐसा महसूस होता है कि बाबा दर्द से कराह रहे हैं और सुबह होते ही जब बाबा चलने को होते हैं तो दंपत्ति का दिया हुआ कंबल उन्हें वापस करते हुए कहते हैं कि इसको गंगा जी में विसर्जित कराओ। और उसके ठीक 30 दिन बाद यानी कि एक महीने बाद आपका बेटा सही सलामत घर आ जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, ठीक यही हुआ। बेटा 30 दिन बाद घर आया और उसने कुछ ऐसा बताया कि दंपत्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि ठीक एक महीने पहले एक रात युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं छू सकी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझ पर चलने वाली गोलियां कोई शक्ति अपने ऊपर ले रही है। ये बाबा का ही महान चमत्कार था। एक और ऐसी घटना है जिससे मालूम पड़ता है कि बाबा की महिमा भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। कुछ साल पहले की बात है, मार्क जकरबर्ग की फेसबुक कंपनी के नीलाम होने की नौबत आ गई थी। तब जकरबर्ग परेशान होकर एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के पास गए तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि आप भारत जाएं और नैनीताल में स्थित कैंची धाम मंदिर में जाकर नीम करौली बाबा से विनती करें, आपको अपनी समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। तो जकरबर्ग भारत कैंची धाम आए, मगर उनके आने से पहले बाबा समाधि ले चुके थे। उन्होंने वही धाम में विनती की और वापस जब अमेरिका आए तो बाबा की कृपा से आज फेसबुक कंपनी विश्वव्यापी है। बाबा के जीवन तो ऐसी अनेकों महिमाएं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज भी कई लोग की समस्याएं बाबा का नाम लेने से दूर हो जाती हैं। अंत में मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार ऐसे महान संत के आश्रम का भ्रमण जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।